الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على مجيد اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए जो हर चीज पर कादिर और हर चीज का मालिक और खालिक अल्लाह है और हर किस्म की दुरूद व सलाम इमामुल अव्वलैन इमामुल आखरैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा कुल कायनात के सरदार आमीना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्दस पर अहबाब ग्रामी कदर दीन इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाबता हयात है कि जिसे खालिक़े कायनात ने आज से 1400 साल पहले नबी आखिरुज़्ज़मान पर नाज़िल फरमाया। हज़रात इस्लाम का सारे का सारा निज़ाम इस्लाम का इज्तिमाई जो निज़ाम है वो दीनी अखुव्वत और भाईचारे की बुनियाद पर कायम है। कुरान मजीद ने सारे के सारे मुसलमानों को तमाम मुसलमानों को आपस के अंदर भाई भाई करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान ऐलान करता है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा के मोमिन जो लोग हैं ये सब आपस के अंदर एक दूसरे के भाई भाई है। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सब मुसलमानों की मिसाल एक वाहिद जिस्म की मानिंद है कि जिस तरह कि ये जो पूरा जिस्म है इसके एक हिस्से को भी तकलीफ पहुंचती है ये पूरा जिस्म कितना बड़ा है अगरचे इसके छोटे से नाखून को तकलीफ पहुंचती है तो ये पूरा का पूरा जिस्म उसकी तकलीफ में उसकी बिदारी में चीख उठता है। इसी तरह ये सब मुसलमानों का हाल है कि अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंची है तो दूसरे मुसलमान चैन और सुकून की नींद से नहीं सोए क्योंकि वो आपस के अंदर भाई भाई है अपने दूसरे भाई की मुश्किल में उसके काम आए। मेरे अहबाबे गरामी कदर के इस्लाम के अंदर कि किसी को किसी पर फजीलत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला फज़ल लिल अरबी अला अजमी वला अजमी अला अरबी कि किसे अरबी नू किसे अजमी ते फजीलत नहीं कि किसे अजमी नू किसे अरबी ते फजीलत नहीं दी गई। इस्लाम दे अंदर सारे दे सारे इको वाहिद बरादरी दे अंदर कायम ने ओ केड़ी बरादरी है ओ इस्लामी अखुव्वत और भाईचारा दे अंदर कायम करके रख दिता है। आज हमने ये अपनी तरफ से बरादरी बनाई हुई है अपनी तरफ से कबीले अपनी तरफ से जातें बनाई हुई हैं
लेकिन इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी को किसी पर फजीलत दी जाए। सारे के सारे इंसान एक ही नस्ल से है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। हजरत, ये जो अखुवत और ये जो भाईचारे का ताल्लुक है, ये किसी के साथ अगर हमने भाईचारा अखुवत कायम करनी है, उसके साथ जाति मुफाद नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है कि अल्लाह को राजी करना है। हमने अल्लाह की खातिर अपने भाई के काम आना है, अपने दोस्त के काम आना है। ये नहीं कि हमने अपना काम निकाला और साइड पर चले गए, दूसरा हमारा भाई मुसीबत में मुश्किलत में पड़ा रहे, हमें उसकी परवाह नहीं। ये ऐसी अखुवत और भाईचारा नहीं है मेरे अहबाब गिरामी, ये ऐसी मोहब्बत है, ये ऐसी इस्लामी अखुवत है कि अगर हम इस रिश्ते को तोड़ दें, अगर इस अखुवत इस्लामी को तोड़ दें, तो हमारा ईमान जाया हो जाएगा, हमारे ईमान के चले जाने का खतरा है। दलील क्या है इसकी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो बंदा जो चीज जो जज्बात अपने लिए रखता है वो अपने भाई के लिए भी रखे। आज हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए तो मुख्तलिफ चीजें पसंद कर लेते हैं, लेकिन अपने भाई के लिए कोई चीज भी नहीं पसंद करते। मुसलमान की तारीफ ही यही है, मुसलमान कहते किसको है, मुसलमान का मतलब ही यही है कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। आज हमें गौर करना है कि हम कितने अपने भाइयों के साथ सलूक कर रहे हैं, कैसे उनके साथ पेश आ रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो मोहब्बत की तौफीक किसी को हासिल हो जाए, ये अल्लाह की तरफ से एहसान होता है। किसी को मोहब्बत की तौफीक हासिल होना, ये अल्लाह की तरफ से एहसान हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन लोगों को अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी रजा के लिए चुन लेते हैं, उनको मुंतखब कर लेते हैं, तो अल्लाह ऐसे बंदों से मोहब्बत करने लग जाता है। तो उस मोहब्बत को वैसी मोहब्बत कि उसको अपने तक अपनी जात तक नहीं कायम रखता, बल्कि उसको और लोगों को भी शरीक कर लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो जिब्रील को आवाज देते हैं, इजा अहब्बल्लाहु अल-अब्दा नादा जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फलाना, के जिब्रील जल्दी आ, जल्दी आ, ऐ अल्लाह क्या हुक्म है? तो अल्लाह कहते हैं ऐ मेरे जिब्रील, फुला शहर में, फुला मोहल्ले में, फुला बस्ती के अंदर, फुला गली के अंदर, फुला घर के अंदर फुला बंदा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो भी उससे मोहब्बत। तो जिब्रील आसमानी मखलूक के अंदर ये आवाज लगा देते हैं कि ऐ अल्लाह के फरिश्तों, ऐ अल्लाह की नूरानी मखलूक, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। ये बात पहुंचती पहुंचती जमीन पर पहुंच जाती है। तो अल्लाह फिर अपने जो महबूब बंदों की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मेरी आसमानी मखलूक भी
और जमीनी मखलूक भी उस बंदे से मोहब्बत करे। तो आज अगर हमने मोहब्बत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अखुव्वत अगर कायम करनी है, अगर किसी के साथ भाईचारे का ताल्लुक कायम करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर हो। किसी की किसी किस्म का रियाकारी और दिखलावा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मुकर्रब और महबूब बंदों से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जब तुम अल्लाह के अल्लाह का अगर तुम कुर्ब हासिल करना चाहते हो ना अल्लाह का कुर्ब, तो अल्लाह के महबूब बंदों से, अल्लाह के बलियों से, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी की अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये मोहब्बत का, ये भाईचारे का, ये अखुव्वत का ये बुनियादी असूल हमें हासिल होता है कि अगर हमने अल्लाह ताला के अलावा किसी से मोहब्बत करनी है, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह का हमें कल क़यामत के दिन क़ुर्ब हासिल हो सके, तो हमें अल्लाह के बरगजीदा अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करनी होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करने का सिला क्या है कि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये भी ऐलान किया है कि जो बंदा जो शख्स मेरे किसी वली बंदे से किसी नेक बंदे से दुश्मनी रखता है, उससे सदा ताल्लुकी करता है, मेरा उससे ऐलान जंग है। तो आज हमें सोचना है, हमें गौर करना है कि हमारी मोहब्बत किधर गई, हमारी अखुव्वत कहाँ चली गई, कहाँ हम कि अल्लाह की नाफरमानियों में तो नहीं लग रहे, हम नमाज भी पढ़ते जा रहे हैं, हम रोजे भी रखते जा रहे हैं, सदका और खुराक भी करते जा रहे हैं, नमाज के अंदर रफ्यूल दान भी करते हैं, पांव से पांव भी मिलाते हैं, सीने पर हाथ भी बांधते हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर हसद है, हमारे दिलों के अंदर ये हसद जैसी बीमारी आ चुकी है। हम एक दूसरे से अदावत और दुश्मनी पर उतर आए हुए हैं। ये कैसी निजाम है, ये कैसी हमारी नमाजें हैं, ये कैसे रोजे हैं, ये कहां अल्लाह के सामने कबूल होंगे। सऊदी अरब के एक इमाम है सालेह बिन उसैमैन, कहते हैं कि जो बंदा अपनी खैर खाई के साथ अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई की खैर खाई नहीं सोचता, उससे अदावत रखता है, उससे बूझ रखता है, उससे दुश्मनी रखता है, वो ये सोचने के कबीरा गुनाहों में से ये कबीरा गुनाह कर रहा है। हम नमाजें पढ़ी जा रहे हैं साथ कबीरा गुनाह भी कर रहे हैं, और ये कबीरा गुनाह है सिला रहमी कि ताल्लुक को तोड़ना, ये कबीरा गुनाह है मेरे भाई। तो इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के महबूब बंदों से अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखता है अल्लाह उसे कल क़यामत के दिन जंग का ऐलान करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जब बंदा वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो चीजों को पकड़ता है, मैं उसका पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये है अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करना, अल्लाह के रास्ते में मोहब्बत करना, अल्लाह के रास्ते में इस्लामी अखुव्वत को कायम करने का ये है सिला। और इसी तरह अल्लाह के लिए अखुव्वत हो, ये अगर अल्लाह के लिए अखुव्वत ये अगर किसी को हासिल हो जाए, ये एक ऐसी ईमानी कुव्वत है कि जिसको अल्लाह ताला अपने मुत्तकी और मुखलिस बंदों में उनके दिलों में ये डाल देता है। अल्लाह के कुरान ने ऐलान फरमाया लव अनफक्ता
ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم। अगरचे तुम खजाने के खजाने भी खर्च कर लो, अपने भाइयों पर जितना मर्जी माल खर्च कर लो, अगर अल्लाह ने ना चाहा तो तुम अपने अपनी मोहब्बत उसके दिल में नहीं डाल सकते। ये तो अल्लाह की मोहब्बत, ये तो अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई हुई नेमत है कि जो अल्लाह अपनी रहमत के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ दूसरे इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत डाल दे। तो हमें चाहिए कि अगर अगरचे हम आज जितना मर्जी माल खर्च कर लें, अपने अजीजों पर, अपने हमसायों पर, वजह क्या हो कि मेरा नाम हो कि फलां का है, फलां बड़ा पैसे वाला है, फलां बड़े रुपए वाला है, फलां बड़ा मालदार है, वजह क्या हो शोहरत हो कि शोहरत हासिल करनी हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा अमल मुस्तक जाया हो जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से उसके दिल में तेरा प्यार अफूकत कायम होगी। इसीलिए और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक ऐसी ईमानी कुव्वत है कि जो आपस में मोहब्बत और एहतराम का जज्बा पैदा करती है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये मोहब्बत ईमान और तक्वे का लाजमी जुज है। अगर हमारे अंदर तक्वा नहीं तो हमारा ईमान नहीं। अगर ये इस्लामी अखुव्वत, ये भाईचारा नहीं तो हमारा ईमान नहीं। अगर ये दोस्ती नहीं तो ये तकवा नहीं। बगैर दोस्ती के तकवा नहीं और बगैर तकवे के दोस्ती नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया अल अखिल्लाउ यौमाइज़िन बअज़ुहुम लिबादिन अदुव इल्ला अल मुत्तकीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह कुछ लोगों को ऐसा इनाम हासिल करेंगे कि उन लोगों पर नबी भी रश्क करेंगे। अल्लाह के नबी के सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, वो कौन से खुश नसीब लोग हैं कि जिन पर वक्त के नबी शुहदा भी रश्क करेंगे, वो कौन से खुश नसीब लोग हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दुनिया के अंदर रहकर मेरी रजा की खातिर, मुझे राजी करने के लिए, मुझे राजी करने के लिए आपस के अंदर मोहब्बत और प्यार करते थे, दीनी अखुव्वत को कायम करते थे, किसी किस्म का दिखलावा नहीं करते थे, किसी किस्म की रियाकारी नहीं थी। इसीलिए तो आपने एक एक मशहूर हदीस सुनी हुई है कि एक बंदा था, वो रस्ते में जा रहा था, रस्ते में जा रहा है, अल्लाह की तरफ से आने वाला आया, आकर फरिश्ते ने कहा कि किधर को कसद किया है, किधर को जा रहा है? तो बंदा आगे से कहने लगा कि फलां बस्ती के अंदर एक मेरा भाई रहता है, मैं उसकी जियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस फरिश्ते ने आगे से कहा कि क्या तू उससे कोई दुनियावी फायदा हासिल करना चाहता है? क्या तू उससे कोई नेमत की खातिर जा रहा है? क्या तेरा कोई उससे फायदा है कि तू उससे मुलाकात करेगा, वो तू उससे कोई फायदा देगा? तो आगे से वो कहने लगा, नहीं, मैं तो अल्लाह की खातिर जा रहा हूँ, मैं तो अल्लाह को राजी करने की खातिर उस बंदे से मुलाकात करने जा रहा हूँ, वो मेरा मुसलमान भाई है। तो फरिश्ते ने आगे से कहा, तो मुझे अल्लाह ने भेजा है, मुझे अल्लाह ने भेजा है इसलिए कि मैं तुझको बताऊं कि तू उस बंदे से मेरी रजा की खातिर मोहब्बत करता है, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। तो मेरे अजीजों, अगर आज हमने अपने भाइयों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने अजीजों वकारिब के साथ मोहब्बत करनी है, अखुव्वत कायम करनी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर। इसमें किसी किस्म की
रियाकारी ना हो। आज हम क्या करते हैं, हमारी क्या हालत है, हम अपनी अना और तकब्बुर में डूबे हुए हैं कि मेरे पास तो इतना माल है, मैं इतना मालदार हूँ, वो तो फुला गरीब है, मैं उससे क्या मांगूं। अगर किसी को अल्लाह ने जहानत दी है ना, वो तो कम जहन पर तकब्बुर कर रहा है कि मैं तो एक बार चीज को पढ़ता हूँ तो मुझे याद हो जाती है, वो रट्टे मार मार कर थक जाता है, मेरे पास तो इतना माल है और मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, वो अपने माल पर अपनी दी अल्लाह की तरफ से दी हुई दौलत पर तकब्बुर करता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुबारका है कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को ही पसंद करते हैं, खूबसूरती चीज को अल्लाह पसंद करते हैं, और ये तकब्बुर करना ये कबीरा गुनाह है। हसद करना, ये हसद ऐसे है जैसे नेकियों को, ये हसद इस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी मिसाल कि जिस तरह लकड़ी को दीमक स्यों खा जाती है ना, इसी तरह ये हसद नेकियों को खा जाता है। आज हमने देखना है कि हमने कितनी नेकियां की, हमने ये ताजा ताजा कुर्बानियां की, हमने कुर्बानी इतने महंगे जानवर जबा कर दिए, इतने जानवरों पर, लाखों जानवरों पर हमने छुरी चला दी, लेकिन अपनी अनाज और मैं पर छुरी नहीं चलाई। ये हम कैसे मुसलमान हैं, ये कहाँ का मुसलमान है? ये ईद उल अजहा, ये कुर्बानी का ये जो मकसद था, मकसद ही यही था कि बंदा अपनी अनाज और मैं पर भी छुरी चलाता, लेकिन अफसोस दर अफसोस की बात है कि हमने सालों बसालों ईद उल अजहा आती है गुजर जाती है, लेकिन हमारी अना हमारी तकब्बुर उसी तरह ही है। तो मेरे भाइयों, अपने इस अपने दिल से इस गंदी बीमारी को निकालना होगा। अगर हम चाहते हैं ना कि अल्लाह हमारे दिलों के अंदर तकवा डाल दे, अल्लाह तकवे जैसी अजीम नेमत को डाल दे, तो हमें मुत्तकी बनने के लिए ये जो गंदी बीमारी है हमारे पूरे मुआशरे के अंदर आ चुकी है, छोटा छोटा बच्चा भी, हर कोई आलिम जाहिल अमीर गरीब छोटा बड़ा औरत हर कोई इसमें मुब्तला है, इसको खत्म करना है अगर हम चाहते हैं मुत्तकी बन जाए। और इसके साथ साथ अगर हमने अपने भाई से इस्लामी अख़ुवत भाईचारा कायम करना है तो उसके लिए अल्लाह के नबी ने कुछ शराइत बयान की है कि उस शराइत के मुताबिक इस्लामी अख़ुवत हो, अपने भाई के साथ वो ताल्लुक हो। उनमें से पहली है कि अख़ुवत सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर हो, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ना हो। और उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि ये भाईचारा ये इस्लामी अख़ुवत इस्लाम के तरीके पर हो, इस्लाम के तरीके से हट कर ना हो। ये चीज उस वक्त कायम हो सकती है जब अख़ुवत हमारे अंदर ये जो भाईचारा है, हमारे अंदर ये जो ताल्लुक है सिर्फ अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगा। जब हम अपनी मन मर्जी करने लग जाएंगे, अपने ही असूलों पर ये मोहब्बत को कायम करने लग जाएंगे, तो मुआशरे के अंदर फसाद बर्पा होगा, मुआशरे के अंदर गंदी गंदी बीमारियां जन्म लेने लगेंगी, गंदी गंदी बीमारियां पैदा होने लगेंगी। जब ये मोहब्बत इस्लामी तरीके के मुताबिक होगी तो हमारा माशरा पर अमन होगा। और जब जो बंदे आपस में मोहब्बत करते हैं वो इस बात पर अहद करें, वादा करें कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई नाफरमानी, ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे कि जो शरीयत के मुखालिफ हो, कि जो शरीयत के असूलों से हटकर हो, जिसमें अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता हो, अल्लाह के नबी की उसके बारे में वाइद ना हो,
तो ऐसी मोहब्बत अल्लाह के हाँ जायज है। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था वरजुलानी तहाबा फिल्लाही इज्तमा अलैही वतफर्रका अलैही, कि दो बंदे हैं आपस में मोहब्बत करते हैं, अखुवत है उनके दरमियान, भाईचारा है, सिर्फ क्या है अल्लाह की रजा है, उन दोनों का इकट्ठा होना भी अल्लाह की रजा की खातिर, उन दोनों का जुदा होना भी अल्लाह की रजा की खातिर है। अगर वो कल क़यामत का दिन जब इतनी उस जहन्नम के वहशत के डर से हर बंदा अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूब रहा होगा, किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, कोई ऐसे भी होंगे जो अपने पसीने में डूब रहे होंगे, उस दिन अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेंगे दो बंदों को। वो दो बंदे कौन हैं? वो दो बंदे यही हैं वरजुलान तहाबा फिल्लाही इज्तमा अलैही वतफर्रका अलैही, कि वो अल्लाह की रजा की खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं। वो जब अगर उनमें जुदाई ताल्लुक खत्म होता है वो सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, अगर उन दोनों के दरमियान में, उन दोनों की अखुवत के दरमियान में अगर कोई चीज रुकावट आ जाती है तो वो सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर अलग हो जाते हैं, तो अल्लाह ऐसे बंदों को कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। हजरात, इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने एक और हदीस में फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमु, उस पर वो जुल्म नहीं करता। आज हमने देखना है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम के तहत क्या हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये जो सबक अल्लाह के नबी ने हमें दिया हम इसके तहत जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमने देखना है कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे कबीले के अंदर कितने लोग हैं कि जो हमारे हाथ से, हमारी जुबान से महफूज है। हकीकी मुसलमान की तारीफ यही है कि जिससे दूसरा मुसलमान उसकी जुबान और हाथ से महफूज रहे। आज हमने देखना है कि क्या ये मेरा हाथ किसी की नाहक तल्फी तो नहीं कर रहा, किसी का हक तो नहीं मार रहा, किसी पर जबर तो नहीं कर रहा, किसी पर ज्यादती तो नहीं कर रहा, किसी का माल तो नहीं खींच रहा ना हक तरीके के साथ। क्या मेरे इस हाथ से कोई बच्चा, किसी बच्चे पर मेरे हाथ से जुल्म तो नहीं हुआ, क्या इस हाथ से किसी को तंगी तो नहीं हुई। मुसलमान की तारीफ ही यही है। आज हमने, आज मैंने और तुमने ये सोच कर जाना है कि आज हमारे मुआशरे में कितने लोग हैं जो हमसे, हमारी जुबान और, हमारी जुबान और हाथ से महफूज हैं। इसी तरह हमने देखना है कि हमारी जो ये जुबान है दो जबड़ों के अंदर, ये जुबान क्या इस जुबान से हमारे रिश्तेदार, मेरा हमसाया, मेरा अजीज, मेरा फलां शख्स, फलां भाई, क्या इस जुबान से महफूज है कि नहीं, क्या इस जुबान की वजह से वो हमारे से तंग आकर अलहदा तो नहीं हो चुका। आज हम देखना है कि क्या मेरा भाई मेरी इस जुबान की वजह से मुझसे कदा ताल्लुक तो नहीं कर चुका, मुझसे अलहदा तो नहीं हो चुका। मेरे भाई अपनी जुबान की हिफाजत करनी है। ये जुबान का क्या है? ये जुबान नित बोलकर दो जबड़ों के अंदर महफूज हो जाना है, इसका क्या नुकसान किसको होता है? नुकसान ये पूरे जिस्म को उठाना पड़ता है, ये जो पूरा वजूद है इसको नुकसान उठाना पड़ता है। ये जुबान तो दो जबड़ों के अंदर बोलकर, किसी को गाली गलोच देकर, किसी पर तबर्राबाजी करके इसने तो दो जबड़ों के अंदर महफूज हो जाना है, तो जिस्म, पूरा जिस्म इसका नुकसान उठाता है। तो इसी वजह से मेरे भाई अपनी जुबान और अपने हाथ से देखना है कि कितने मेरे भाई, कितने मेरे मुसलमान अजीज इस मेरे हाथ और जुबान से महफूज हैं।
हजरत आज स्वीडन के अंदर आप सब भाइयों को पता है कि स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बेहुर्मती हुई। ईद उल अज़हा के दिन सरेआम सरकारी सतह पर हुकूमती सतह पर सरेआम कुरान मजीद की बेहुर्मती की गई। वजह क्या है कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमारे अंदर मोहब्बत नहीं, हमारे अंदर इस्लाम की खुफत जैसी अजीम नेमत को हमने पस से पुष्ट डाल दिया है, हमने उसको दूर फेंक दिया है। इसी वजह से आज हम मुआशरे में जलील ख्वार हो रहे हैं। आज हमने इस कुरान अजीम जैसे मुकद्दस किताब को पढ़ना तो क्या, देखना भी नहीं आजकल गवारा समझ रहे हैं। हमारी कैफियत ये हाल हो चुकी है। रमजान आता है, कुरान मजीद को गुलाफों से ताकों से अलमारियों से निकाल कर पढ़ते हैं। जो ही रमजान चला जाता है, कुरान मजीद को लपेटा, गुलाफ में बंद किया, ताकों में सजा कर रख दिया। कुरान मजीद इतनी मुकद्दस किताब है कि जो हमारी हदायत के लिए आई उसका हक ये नहीं कि उसको बंद करके सीने से लगाया, आंखों से चूमा, मुंह से चूमा, लबों से चूमा, उसको अलमारी में रख दी। कुरान का मकसद ये नहीं है। आज मैं सब भाइयों से ये बात पूछता हूँ, ये कितने ही भाई ऐसे होंगे कि जिन्होंने कि आज सुबह सूरत तहफ की तलावत की हो, कितने ही मेरे नौजवान हैं, कितने ही मेरे अजीज, कितने ही मेरे दोस्त हैं कि बताएं कि आज हम में से कितने लोगों ने सूरत तहफ की तलावत की है। दूर की बात तो, रमजान की बात तो दूर चली गई, आज हमने देखना है। इसी वजह से हम हमारे अंदर मोहब्बत और प्यार नहीं कि ये कुरान का जो मकसद था, कुरान का मकसद है इन्नमल मुमिनूना इख्वा कि आपस के अंदर भाई भाई बन जाओ, लेकिन हम आज अपने अपनी इस्लामी खुद को क्या काम करना, हम तो अपने रिश्तेदारों से भी ताल्लुक तोड़ कर बैठे। ये जो अपने हमारे अपने रिश्तेदार भाई भाई से नाराज है, बहन बहन से नाराज है, बेटा वालिद से नाराज है और वालिद बेटे से नाराज है, क्यों? हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली। और मेरे भाइयों, एक ही माँ ने हमें जन्म दिया है। भाई सोचे कि मेरी वालिदा भी एक है, मेरा भाई भी एक है, मेरी माँ भी एक है, एक ही नुतफे से, एक ही पेट से हमने जन्म लिया, ये दूरियां क्यों है? ये आज हमारे दिलों के अंदर त्रेड़े क्यों आई हुई है? आज हमारे दिलों के अंदर ये बुग, ये कीना, ये हसद, ये जैसे गंदी बीमारी क्यों आ चुकी है? हमने कुरान से दूर। आज हम अपने दोस्तों के साथ बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे बताएं कि कितनी आज कितनी देर हो चुकी है कि कितने ही मेरे ऐसे भाई हैं कि अपने हकीकी अपने अपने सगे भाई के साथ बैठकर एक ही बर्तन में खाना खाया हो, एक ही बर्तन में बैठकर, एक ही चार भाई बैठकर, चार भाई पर बैठकर खाना खाया हो। कितने भाई ऐसे हैं बताओ? आज हमने अपने अंदर ये दुश्मनी इख्तियार कर चुके हैं, मोहब्बतों को छोड़कर अदावतों पर ऊपर आ चुके हैं। इसी वजह से हम आज जलील और ख्वार हो चुके हैं। तो मेरे भाई, वो हमारे भाई हैं। हम अपने दोस्तों के साथ एक बाइक पर बैठकर चार चार बाइक, चार चार दोस्त बैठकर बैठकर एक बाइक पर चले जाते हैं शहर, या किसी शहर पर घूमने जाना हो, किसी जगह घूमने जाना हो, हम अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। लेकिन आज एक बाइक, हकीकी बाइक मुझे नजर नहीं आता कि वो अपने भाई के साथ एक बाइक पर बैठा सवार होकर जा रहा है। हमने इस कुरान मुकद्दस की किताब को छोड़ दिया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा के सबक को छोड़ दिया है। इसी वजह से आज हम जलील और ख्वार हो चुके हैं। मेरे भाई, सिला रहने करो, पता ताल्लुकी को दूर करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा चाहता है ना कि उसके रिज़्क में और उसकी उम्र में इजाफा हो, वो एक काम करे, वो सिला रहमी करे, वो सिला रहमी करे, उसकी
उसके माल में उसकी जान में भी बरकत अल्लाह अता कर देंगे। आज हमारे पास माल है, हर घर के अंदर यही रोना है, हर बुजुर्ग हर नौजवान यही रो रहा है कि पैसे कमाते हैं माल कमाते हैं पता नहीं कहाँ चले जाता है, बरकतें ही नहीं। वजह यही है कि हमने अपने अजीजों अपने प्यारों के साथ कता ताल्लुक ही कर चुके हैं। मेरे भाइयों हमने अपने अजीजों के साथ जुड़ना है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि लोगों अपने नसब को जानो, अपने नसब को जानो, जब तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारा नसब ये है, तुम्हारी बहन ये है, तुम्हारा भाई ये है, उसके बाद उनसे सिला रहमी करो, उनसे जुड़ जाओ, उनसे जुड़ने का हुक्म है। आज इसी वजह से मेरे नौजवानों को भी मैं यही सबक देता हूँ, मैं अपने नौजवान भाइयों को भी यही सबक देता हूँ कि वो इस मुआशरे का सितारा है, उन्होंने इस मुआशरे को तरक्की की तरफ लेकर जाना है, इस मुआशरे को कामयाब और कामरान करना है। जब वो खुद ही आपस के अंदर अदावतें कर रहे हैं, दुश्मनियां रखी हुई हो, एक दूसरे के साथ बुग्ज रखा हुआ हो, तो वो कामयाब नहीं हो सकते। इसी कुरान ने हमें बताया है कि शराब हराम है, शराब हराम है। तो मेरे नौजवान आज कितने ऐसे लोग हैं, मैं कुछ नौजवानों को इस ऐसे नौजवानों को मैं बयान ये अल्लाह के नबी की हदीस बयान करके बताना चाहता हूँ कि वो शराब पीते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा शराब पीता है उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। तो हम तौबा कैसे करेंगे अगर हमने शराब पी ली, तो हम तौबा कैसे करेंगे नफली नमाज पढ़कर? और जब हमारी फर्जी नमाज ही कबूल नहीं तो नफली नमाज का क्या फायदा? आज हम तो मैं अपने नौजवानों को यही कहूंगा इस गंदी बीमारी से दूर रहे। अगर अल्लाह के नबी के की वारिगाह में एक शख्स आया आकर कहने लगा कि अल्लाह के रसूल के फलां शख्स ने शराब पी है और शराब पीने के बाद वो मर गया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर उस शख्स ने शराब पी उसके बाद वो मर गया, कल क़यामत का दिन होगा, वो कब्र से जब उठेगा तो उसकी उसके मुंह से वो शराब की बदबू आ रही होगी। तो मैं इस अपने सब नौजवान और अपने सब अजीजों और सब भाइयों को ये बात बयान करना चाहता हूँ कि अगर सोचो 40 दिन तक हमारी नमाज कबूल नहीं होगी अगर हमने शराब को पिया, तो अगर हम 40 दिन के अंदर ही फौत हो गए, 40 दिन के अंदर ही हमारी वफात हो गई, तो फिर हमारा क्या मामला होगा, हमारी जिंदगी का क्या बनेगा, हमारे किए हुए आमाल किधर चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो मैं अपने नौजवान और अपने हर भाई को यही दर्श देना चाहता हूँ कि आपस के अंदर मोहब्बत करो, आपस के अंदर अखुवत को कायम करो, आपस के अंदर इस्लामी अखुवत को कायम करो। मेरे भाइयों वही लोग थे अल्लाह के नबी के आने से पहले, कितने लोग थे जो एक छोटे छोटे घोंसले की वजह से लड़ाई करते थे, उनकी लड़ाइयां सालों सालों साल तक जारी रहती थी, लेकिन जब अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के नबी ने आकर उनके अंदर मुआखाते मदीना इस्लामी भाईचारे को कायम किया, वही इस्लामी भाई जब हिजरत हुई मुहाजिरीन गए इंसार के पास, इंसार ने आगे से क्या बर्ताव किया, उन्होंने अपना माल भी माल तक नहीं दिया, बल्कि उनसे कहा कि जिस बंदे के पास दो बीवियां थी उसने कहा मैं एक को तलाक देता हूँ, दूसरे उससे तलाक उसे निकाह कर ले। ये भी इस्लामी अखुवत। मेरे भाई वो ही मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे। आज हमने भी सोचना है कि हम कैसे मुसलमान हो। मेरे भाई अगर किसी ने भी किसी का दिल दुखाया, किसी किस्म का भी किसी पर तबर्राबाजी की, अल्लाह की रजा की खातिर आज ही इख्तियार करो। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो बंदा अपने भाई को मेरी रजा की खातिर माफ कर दे, मेरी रजा की खातिर आज ही इख्तियार करता है,
अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ दिया कि जो बंदा मेरी रज़ा की खातिर आजज़ी इख्तियार करता है, अपने आप को नीचे ले जाता है, हक पर होने के बावजूद अपने आप को गलत तकसीम कर लेता है कि मेरा भाई हक पर है, उसका दिल ना दुखे, उस पर कोई ऐसी कोई हरकत ना आ जाए कि जिसकी वजह से वो नाराज हो जाए, अल्लाह की रज़ा की खातिर वो आज ही प्यार करता है, तो अल्लाह ऐसे बंदे को ऐसे तरक्की अता करता है। जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह उसको तरक्की अता करे, जो बंदा ये चाहता है कि उसके माल में उसकी जान में बरकत आए, वो सिला रहमी जैसी अजीम नेमत को बनाए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन दीन पर चलने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागु।